अपनी एक स्टोरी में कि बुढ़ापा बहुत बचपन की पुनरावृत्ति होता है और बचपन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है। नहीं हो चाहे केंद्र मंत्री है चाहे अहंकारी रूप से जो कह दे कुछ भी गुस्सा आता है तो न जाने मैं क्या कर देता हूँ। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो इनको उठाकर अरब सागर में फेंक दे। चुनावी पारा बढ़ने लगा है, सियासी धुरंधरों की जुबान भी पैनी हो गई। किसी ने कहा अरब सागर में फेंक दूंगा तो कोई कहता है पहले बॉक्सिंग सीख लेना फिर मेरे सामने आना, तो किसी ने कहा तुम तो बूढ़े हो गए, तो कोई बोला हमारी सियासत तो तब से है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तो किसी ने किसी को अहंकारी रावण तक बता डाला। नेताओं की ऐसी बयानबाजियां मर्यादाओं और सभ्यताओं की सीमा से परे हो जा रही है। हर कोई बस नजरों में चमकना चाहता है, उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना बोलना पड़े। चलिए एक एक कर सबके बयान आपको सुनवाते हैं और फिर आप ही अपने नेता का भविष्य 2023 में तय कीजिए। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो इनको उठाकर अरब सागर में फेंक दे, कब फेंकोगे टाइम बताओ मैं आ जाऊंगा। बताओ बताओ मन फेंको दे, फेंको फेंको फेंक के बताओ मुझे, मैं राजस्थान में घूमता हूँ, किसमें कितनी ताकत है मुझे फेंक दो, क्यों नहीं पकड़ते। मैं हूं असली सनातन धर्म का भक्त, मैं हूं राम का वंशज, फेंको ना मुझे। इतना ज्यादा गलत फहमी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो लोग बन गए बड़े बड़े नेता बन गए उनकी भाषा सुनिए आप। 82 साल का एक आदमी शांति धारीवाल उसके लिए कह रहे हैं अरब सागर में उठा के फेंक देंगे, क्यों भाई उनके परिवार नहीं उनके बच्चे नहीं पाप नहीं लगेगा, कानून हाथ में ले लोगे, कैसे फेंक दोगे आप? आपको ये अधिकार दिया है भारत सरकार ने, आप पूछ लो संविधान में ये अधिकार है कि केंद्रीय मंत्रियों को यदि अधिकार मिल गया है कि राजस्थान के मंत्रियों को आप उठा के अरब सागर में फेंक सकते हो तो बताओ तो हम वैसी तैयारी करें, हम भी ध्यान रखें। तो भाई किरण कुंड में फिर ये नया काम चालू करवा दें, हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दिन भाई साहब ये भी कुछ सिखा दो कि कुंड में कितनी ताकत है। ये कोई बात हुई डेमोक्रेसी में? ये भाषा है गलत भाषा है। कांग्रेस ने कहा कैलाश मेघवाल गुरु है, कांग्रेस बीजेपी नेताओं के काबू में आने वाले जीव नहीं है, वो भैरव सिंह जी के साथ पॉलिटिक्स करते थे, कैलाश मेघवाल जी को कैसे काबू में कर लेगी कांग्रेस, और कांग्रेस का कौन नेता उनसे बात करेगा? ये आपस में इस तरह के षड्यंत्र ना कांग्रेस करती है ना कैलाश मेघवाल जी करते हैं। गांव गांव में बीजेपी को पहुंचाया, उनके ही तो चेले हैं कैलाश जी मेघवाल साहब। आपको भैरव सिंह जी शेखावत के अटल बिहारी वाजपेयी जी के चेलों से नफरत है, जैसे ही अंतिम कड़ी में ये कैलाश मेघवाल जी थे तो इनको क्या कह दिया, ऐसा गुनाह क्या कर दिया? तो सुना आपने, ये है कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सलाह दे डाली है कि उनको तो बॉक्सिंग सीख लेनी चाहिए। वजह गजेंद्र सिंह शेखावत का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि शांति धारीवाल को तो अरब सागर में फेंक देना चाहिए। देश है, लेकिन राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक तोड़ने का पाप किसने किया? सजा गलत सरकार ने किया और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो आज भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, वो आज भी मंत्री है। ऐसा व्यक्ति जिसको उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए और अरब सागर में फेंक देना चाहिए, वो आज राजस्थान के मंत्रिमंडल का मंत्री है। तो वही खाचरियावास कहते हैं कि हिम्मत है तो मुझे समुद्र में फेंक के दिखाए, पता लग जाएगा कितनी ताकत है। साथ ही कैलाश मेघवाल को बीजेपी से निलंबित करने के सवाल पर खाचरियावास ये भी कहते हैं कि बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत के चेलों से सख्त नफरत है। और चलिए अब आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें शेखावत सूर सागर से विधायक सूर्यकांता व्यास और निलंबित विधायक कैलाश मेघवाल को लेकर बयान देते हैं कि बुढ़ापा बहुधा बचपन की पुनरावृत्ति होती है। कैलाश मेघवाल और सूर्यकांता व्यास दोनों की उम्र तकरीबन 90 के करीब पहुंच गई है, सुनिए। देखिए कैलाश मेघवाल जी और सूर्यकांता जी दोनों की उम्र अब 90 के लगभग पहुंच गई है। मैं नहीं कहता, प्रेमचंद जी ने किताब में लिखा था कि अपनी एक स्टोरी में कि बुढ़ापा बहुत बचपन की पुनरावृत्ति होता है और बचपन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती। इस बयान को जैसे ही सूर्यकांता व्यास सुनती है तो गजेंद्र को राजनीति का पाठ पढ़ा डालती है और कहती है कि गजेंद्र पैदा भी नहीं हुए तब से राजनीति में हूँ। मोदी जी की सोच अच्छी है। आप लंबे समय में राजनीति कर रहे हो,
लंबे समय एमएलए भी रह गया हूँ। आज जिस तरह को केंद्रीय मंत्री कह रहे बुजुर्ग ने और सीने ने जो कैलाश सिंह मेघवाल था आपने कंपेयर कर लिया आप बयान मैं एक बार भी नहीं कहूँ वो तुम्हारा लड़के बराबर है जो गजेंद्र सिंह जी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हैं उन्होंने उसने सी चेक मैं कौन हूँ ये नहीं होते हैं केंद्र मंत्री है। अब चलिए आपको एक और बयान सुनवा देते हैं जिसमें राजेंद्र राठौड़ फिर से गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हैं और शब्दों की सारी मर्यादा तोड़ते हुए गोविंद सिंह डोटासरा की तुलना अहंकारी रावण से करते हैं। वो मंजर हमने देखा तीनों नेता हरिराम जी दिनेश जी सुभाष जी तीनों ने हाथ खड़े करके जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि जिस दंभी नेता ने कहा खमेक विचार को उसको हम बिल में घुसेड़ देंगे उस दंभी नेता के लिए अब घुसने के लिए जगह नहीं बचेगी साफ साफ ये दिखाई देता है। भाइयों अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था बात का है लक्ष्मणगढ़ की इस धरती को जब लोग नाथी के बाड़े की धरती कहते हैं जब लोग ये कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेपर चोरों की राजधानी अगर कहीं है तो लक्ष्मणगढ़ में है तो बड़ा अफसोस होता है। मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो तीन नौजवानों ने कहा कि हम उसे चक्की को तलाश कर रहे हैं जिस चक्की के पीसे हुए आटे को खाने पर एक साथ एक परिवार में चार चार आरएस पैदा हो जाते हैं। उन लोगों ने यह भी कहा कि जिन्होंने अरमाने करमान कुचले नौजवानों के पेपर लीक करने में जब पेपर लीक हो रहा था रीट का जब राजी कह रहे थे ये रिटोत्सव है ये उत्सव है हम लोग समझे नहीं थे उत्सव उनके लिए था उनको मालूम था पेपर का उद्योग चल निकला है अब नोटों की बरसात होगी और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपने देखा है। भारत सरकार से ऋण को माफ करें आज सर्वाधिक नोटिस कहीं मिले हैं जिनको जिनकी राजस्थान में गए इस शेखावाटी के अंदर इस सीकर जिले के अंदर है जहां सर्वाधिक बिजली की कटौती है वो यहां है जहां सर्वाधिक गैंगस्टरों का राज यहां है जहां थाना कचहरी नीलाम हो रही है वो यहां है जहां अहंकारी रूप से जो कहते कुछ भी गुस्सा आता है तो न जाने मैं क्या कर देता हूं। 2023 के चुनावी महारण से पहले कई राजनीति के नुमाइंदे अपने बिगड़े बयानों के बोल से चुनावी हथियार को धार देने में जुटे हैं। ऐसे में अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसकी होगी जीत पक्की और किसकी होगी छुट्टी। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।